है आप लोग, वेलकम टू एडुकेटर्सन। आज का जो टॉपिक है टीएमटी का, हम लोग आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोग टीएमटी के वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा कि टीएमटी के पीछे क्या क्या आप कंडीशंस हो सकते हैं, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और उसे समझते हैं कि आज मतलब न्यूमेरिकल बनेगा कैसे इसका। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये आपके थ्री सपोर्ट है और दो आपका देख सकते हैं कि आपका बीम है, कंटिन्यूस बीम है। इसको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको टीएमटी से हमको सॉल्व करना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सारा आपका ये जो है आपका यूडीएल पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, और ईआई की वैल्यू जो दी है कॉन्स्टेंट दी है। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका समझिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको बहुत इजीली सॉल्व करना है, एकदम ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्रिएट नहीं करना है सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग हर पोर्शन को लेते हैं, ठीक है, पोर्शन लेते हैं हम लोग AB को, AB पोर्शन लेते हैं और पहले उसको सिस्टमेटिक हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, आपको AB पोर्शन को ले लीजिए और उसको अलग कर लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन से अलग कर लीजिए। UDL का पैटर्न लगा था, UDL लगा लिए, यह आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका जो भी लोड पैटर्न लगा है, ये आपका 4 मीटर है, ये आप लगा लीजिए। ठीक है, सर अच्छे दिखा दीजिए, ये आपका AB है। अब हमारा काम क्या है, MX निकाल लेते हैं। तो एम मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला होता है हमारा WL² अपॉन 8। अब यहां से पुट करेंगे वैल्यू और निकालेंगे 20, W क्या है 20 इंटू लेंथ कितना 4 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहां से एम मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपका आ रहा है 40 आपका यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आपका यूनिट आ गया 40 किलोमीटर मीटर। तो ये हो गया एम एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम लोग अब जो है डायग्राम है इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपका यूडीएल का डायग्राम है, तो यूडीएल का डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अगर जिसको यूडीएल का डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है क्यों बना रहे हैं हम लोग ऐसा कर्व क्यों बना रहे हैं, उसके लिए हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका एम एक्स की वैल्यू हो गई, मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 40, टोटल लेंथ कितना है आपका 4। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया। तो हम लोग निकालते हैं A1, ये हो गया एम एक्स एरिया 1। तो A1 मतलब, क्योंकि हम लोग पहला पार्ट का निकाल रहे हैं इसलिए A1 लिख रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू बी इंटू एच, 2/3। बी कितना है आपका, तो बी है आपका 4, 3 और एच कितना है आपका 40, तो ये हो गया 40। ठीक है, तो यहां से हमको वैल्यू जो निकलेगी वो आपका आ रहा है 106.67। तो यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो A1 निकल गया हमारा, A1 हमारा निकल गया, MX निकल गया। इस चीज को ध्यान दें, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरत पड़ेगी आपके सॉल्यूशन में। MX निकल गया, A1 निकल गया। अब हमारा काम क्या है, XL XR निकालना। तो XL और XR निकालेंगे कैसे, XL इज इक्वल टू, XL क्या होगा हमारा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L/2 या B/2। ठीक है, तो L/2, तो L/2 कितना होगा, L कितना है 4/2, यानी कितना हुआ 2 मीटर, L/2 कितना हो गया 2 मीटर। और XR निकालेंगे तो आपका उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, L/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 4/2 मतलब 2 मीटर। तो यहां पे भी हम लोगों का क्या है, XL निकल गया और XR निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया, एक पोर्शन का यानी कि यूडीएल के पोर्शन का ओवर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूडीएल का हो गया, अब हम लोग दूसरे पार्ट का बीसी स्पान करेंगे, पोर्शन एबी का हो गया, अब पोर्शन बीसी का करते हैं। अब हम लोग पोर्शन बीसी का निकाल लेते हैं, पोर्शन बीसी का हम लोग एमएक्स निकाल लेते हैं। तो एमएक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारा था WAB/L। डब्ल्यू हमारा क्या है, तो इस चीज को ध्यान देंगे, डब्ल्यू है हमारा 30 किलोमीटर, 30 इंटू ए कितना है 4 मीटर, बी कितना है 2 मीटर, अपॉन एल कितना है 6 मीटर। तो यहाँ की जो वैल्यू आ गई वो आपका कितना आ रहा है, 40 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, 40 किलोन्यूटन मीटर। तो ये आपका क्या मिल गया, एम एक्स मिल गया। ठीक है, तो एम एक्स हमें क्या मिल गया, 40 किलोन्यूटन मीटर। तो ये एम एक्स जो होगा वो क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको अप्लाई करते हैं, हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपका बना लेते हैं, कैसे बनेगा, कुछ नहीं, ट्रायंगल बनेगा बस, जहां पे लोड है वहां पे आपका मैक्सिमम हाइट होगी और ये आपका बन गया। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट कितना होगा,
दिस वन इज 40, ठीक है, और ये आपका हो गया यहां से यहां तक 4 मीटर एंड दिस वन इज 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर एंड 2 मीटर, तो टोटल लेंथ आपका कितना है 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एरिया की, तो एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा A2, तो A1 निकल चुका है, A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या होगा भैया, तो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का आपका क्या रूल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम लोग हाफ बेस कितना है हमारा 6, हाइट कितना है 40, तो हम लोग वैल्यू निकलेगी या कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 120, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी, तो A2 हमारा आ चुका है, ये हो गया आपका A2। अब क्या निकालेंगे, एक्सेल एंड एक्सर, तो एक्सेल निकाले सबसे पहले, तो एक्सेल निकालेंगे तो क्या होगा भैया हमारा एक्सएल, एक्सेल क्या होगा, तो एक्सेल निकालने के लिए सबसे पहले चीज है कि ये आपका कैसा है, देखिए आपका अनइक्वल वाला कल है, आपका डिस्टेंस है, तो इसमें क्या है फॉर्मूला क्या होता है, a plus l by 3, तो a plus l, a आपका कितना है 4 है, तो 4 plus l कितना है आपका, टोटल आपका 6 है, 6 by 3, तो ये कितना हो गया आपका 10 by 3, यानी कि एक्सेल कितना हो गया आपका 10 by 3, तो ये हो गया हमारा एक्सेल निकल गया आपका 10 by 3, ये आपका हो गया 10 by 3, आपका x बार l निकल गया, ठीक है। अब बात करें हम लोग xr की, तो xr का क्या होगा, तो इसका रूल क्या होता है b plus l by 3, तो यहाँ b कितना है 2 और l कितना है आपका पूरा 6, ठीक है, तो आपका 2 plus 6 by 3, यानी कि xr कितना निकल गया हमारा, xr इज इक्वल टू 8 by 3, xr जो आपका निकला वो कितना है 8 by 3, तो ये आपका निकल गया हमारा, दोनों ही पोर्शन का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कल तक क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें TMT, थ्री मोमेंट थ्योरम। अब फ्रेंड्स देखिए, इस जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, TMT अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोग अप्लाइंग लिखते हैं, अप्लाइंग TMT, थ्री मोमेंट थ्योरम, ठीक है, TMT हम लोग अप्लाई करेंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम, किसमें, पोर्शन क्या है आपका ABC में हम लोग अप्लाई करेंगे, वैसे ABC दिया हुआ है, और हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि ABC मतलब ABC पे ही लगेगा, ठीक है, मतलब तीन सपोर्ट पे ही लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पुट कैसे करना है, तो पहले हम लोग तो एक काम करते हैं कि फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए इजी हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, इसके अकॉर्डिंग ABC के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ma l1 upon e1 i1 plus 2mb l2 e1 i1, ठीक है, e1 i1, उसके बाद क्या होगा प्लस l3, और सॉरी l1 यहां पे भी होगा, l2 e2 i2 प्लस mc l2 e2 i2 प्लस 6a1 x1 अपॉन l1 e1 i1, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस 6a2 x2 l2 e2 i2, ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम एक चीज को ध्यान देते हैं, हमारा क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए कि हमारे पास ei जो है वो कांस्टेंट है, ei कांस्टेंट मतलब सब इक्वल है, तो अगर सभी इक्वल है तो आप देखिए हम ei अगर e1 i1 इज इक्वल टू e2 i2 है, आवर कंडीशन क्या बोल रहा है, e1 i1 इज इक्वल टू e2 i2 है, क्योंकि आपका एक कांस्टेंट है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग इक्वेट जो है आपका सबको कॉमन निकाल के इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमारा कंडीशन क्या बन जा रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या बन जा रहा है हमारा, इसके बाद हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है ma l1 प्लस 2mb l1 प्लस l2 प्लस mc l2 प्लस 6a1 x1 अपॉन l1 प्लस 6a2 x2 अपॉन l2 इज इक्वल टू जीरो, हमारा फॉर्मूला ये बन गया,
ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, ये तो फॉर्मूले पे अप्लाई करने से पहले अब एक और काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं कि ध्यान से देखिए कि हमारे जो फिगर है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पे आपका इस टाइप का सपोर्ट होगा या आपका सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट पे हमारा मोमेंट क्या होता है भाई, तो मोमेंट होता है जीरो। इस सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है जीरो। अगर लास्ट सपोर्ट हो तो, ये बीच वाला सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एंड सपोर्ट हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो हमको ये मालूम चल गया कि मोमेंट आपका ए पे क्या होगा भाई, जीरो होगा। तो हम लोग की मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि मोमेंट ए पे क्या होगा आपका, जीरो होगा, और मोमेंट आपका सी पे क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया ना, मोमेंट ए और सी जीरो होगा। तो अब जब हमें क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आपका ये पोर्शन जीरो हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, दोनों पोर्शन आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बचा क्या पोर्शन, तो बचा आपका 2MB L1 प्लस L2 प्लस 6A1 X1 अपॉन L1 प्लस 6A2 X2 अपॉन L2 इज इक्वल टू जीरो। काम खत्म, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, छोटा हो गया। देखिए, कभी भी सॉल्यूशन करें तो आप पहले जितने पोर्शन आपके आउट हो सकते हैं उसको इजीली आउट कर लीजिए। जैसे कि यहां पे कोई ईआई कांस्टेंट मिला तो मैंने ईआई का टर्म को हटा दिया, पूरा एक कॉमन करके। फिर देख रहा हूं कि सपोर्ट आपका कैसा है, सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा तो ये एमए और एमसी जीरो हो जाएगा, आउट कर दिया मैंने। उसके बाद बचा ये पोर्शन, तो इस पोर्शन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो 2MB L1 कितना है भाई, 2MB L1 कितना है, L1 मतलब ये पहला पोर्शन 4 और दूसरा क्या है 6, तो L1 4 L2 6। तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 4 प्लस 6, ठीक है, 4 प्लस 6 तो प्लस 6। एरिया 1 कितना है, A1 कितना निकला था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन में A1 निकाला था, तो A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 106.67। अब बात करते हैं ये x की, बात करते हैं, ध्यान समझिए, यही मेन चीज है, एक्स पुट क्या करना है। देखिए ध्यान समझिए कि अगर मैं एक्स की बात समझा रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, ये जो एक्स की बात है, ये एक्स और इस एक्स की बात कर रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा कि यहां पे एक्स कौन सा पुट करें, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो XLV और XR भी है, हम XL पुट करें कि XR पुट करें। तो ध्यान समझिएगा, मान लीजिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, मान लीजिए कि आपका टर्म जो है ए बी सी है, आपका ये तीन आपका है, ठीक है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूं, मैं ए बी सी इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां से पहला जो एक्स वन होगा वो एक्स एल होगा और जो एक्स टू होगा वो इस पोर्शन का एक्स आर होगा। मतलब जब मैं एक्स वन की बात करूंगा तो ए बी पोर्शन का एक्स एल होगा, और जब मैं एक्स टू की बात करूंगा तो दूसरे वाला पोर्शन का एक्स आर होगा। यानी कि ए बी का एक्स एल इज इक्वल टू एक्स वन और बी सी का एक्स टू इज इक्वल टू एक्स आर, ठीक है, ये चीज याद ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग कौन सा पुट करना है, तो पहला हमारा X1 है, तो X1 है तो मतलब हम लोग क्या करना है भाई, तो इस पोर्शन का पहले पोर्शन का हम लोग क्या पुट करना है, XL पुट करना है। तो XL की वैल्यू यहां पे क्या थी भाई, तो वो था आपका इंटू 2 अपॉन L1 L1 कितना है आपका 4 प्लस, तो हम लोग इसका 6 इंटू A2 कितना है हमारा, एरिया जो 2 आया था वो कितना था हमारा 120। अब बात कर रहे हैं X2 की, ठीक है, तो X2 की बात कर रहे हैं, तो X2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन का हम लोग XR पुट करेंगे, इस पोर्शन का हम लोग क्या पुट करेंगे XR। तो हमारा XR कितना था भाई, तो वो था आपका 8/3, ठीक है, तो 8/3 आपका 3 था, 3 ये 3 आपके नीचे आ गया, इंटू L2 कितना है आपका लेंथ 2, तो वो है आपका 6, ठीक है, लेंथ 2 के आपका 6। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, और इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको रिजोल्व करेंगे तो और थोड़ा सा मतलब सॉल्व करते हैं, तो इसको वैल्यू क्या मिल रही है आपकी, 4 प्लस 6 10 10 इंटू 20 MB और प्लस, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है आपका 320 प्लस ये भी मिल रहा है आपका 320 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा क्या आ रहा है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 20 MB, 20 MB इज इक्वल टू 640 है, तो उधर चला जाएगा तो आपका माइनस 640 हो जाएगा, और MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 640 अपॉन 20,
तो वैल्यू हमारी आ रही है मोमेंट एट बी, क्या जाएगा आपका अगर इसको हम लोग चेक करें तो ये आपका आ रहा है -32 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, एम बी की वैल्यू आ गई। हमें मोमेंट निकालना था, एम बी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारा आपका वैल्यू ऑब्टेंड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मोमेंट निकालना था हम लोगों ने, कल थ्री मोमेंट थ्योरम से हम लोगों ने मोमेंट एट बी निकाल लिया। तो ये था हमारा वैसे बेसिकली आज जो था हम लोग का सिर्फ दो ही पोर्शन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीन पोर्शन वाला करेंगे, उसको और अच्छे से समझेंगे कैसे बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग अवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो।